शमी प्लीज गेट खोल दो। शमी यार प्लीज ओपन द डोर यार। यार शमी मेरे को लेट हो रहा है, इज द फूड रेडी? अरे खोल दो। हाँ देख रहा हूँ। हमारे जमाने में हम वेट करते थे कब सैटरडे आएगा, कब मम्मी मैगी बनाएगी। वो सूखी मैगी आज की सैलरी की इंक्रीमेंट से ज्यादा वो खुशी और सेटिस्फेक्शन देता था। तुम क्या जानो? क्या तुम्हें पता तुम्हारे और भिड़े में क्या सिमिलैरिटीज है? दोनों ही अपने जमाने में चले जाते हो। चले चले ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, कल से आपके लिए 56 भोग बना देंगे सोने के टिफिन में, ठीक है? Let's get back to work. मिनटों के लिए तू लुप्त हो जा, राज की तरह तू गुप्त हो जा, कार्यक्रम अपना खटाखट बना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? किस बात का गुड मॉर्निंग? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये गुड मॉर्निंग लग रहा है मिस्टर शमी? जरा बताने के कष्ट करेंगे आप? मुझसे पूछो तो इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग एट ऑल मिस्टर शमी। क्यों सर, पेट खराब है? नहीं नहीं नहीं, पेट नहीं, बस थोड़ा दिमाग खराब है, जो कि आपकी कृपा है। क्यों, मैंने क्या किया सर? मैं तो आपके लिए कल टिंडे भी बनाकर लाया था। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे कंपनी के फ्यूचर सीईओ हैं, आपको तो एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला है। आप तो दूध से धुले हैं, आप थोड़ी ना कुछ करते हैं। अरे सर क्या आप भी मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया था? मैंने तुम्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुझे ये फाइल इस डेट तक कंप्लीट चाहिए, लेकिन नहीं, बॉस और कुत्ते में कुछ फर्क थोड़ी ना होता है, हमारा तो काम ही है भौंकना। सर सर मैं अब भी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ। मेरा मतलब भोले आदमी, आप रहने दीजिए, हम है ना आपकी सेवा में, हम कर लेंगे। नहीं नहीं सर, मैं अब भी करके देता हूँ सर। कर दीजिएगा प्रभु, बड़ी कृपा होगी आपकी, वरना लोग बोलेंगे कि शमी वेंट वेंटे ही वेंट, ऐसा वेंट कि कमिंग नॉट। छुट्टी पे जा रहे हो ना, तो कहीं छुट्टी परमानेंट ना हो जाए तुम्हारी। बाय बाय। वेलकम जी वेलकम। साला एक दिन भर गधे की तरह काम कर, ऑफिस का काम घर का काम, उसके बाद इनके नखरे ढोल बन के रह गया हूँ बहन, दोनों तरफ से बजा रही है पब्लिक। अरे गालियां बाद में दे देना, पहले चाय बना लो। हाँ हाँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ।
चाय बनी नहीं अभी तक? हाँ हाँ लाया। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। So, how was your day? कुछ खास हुआ आज? हाँ हुआ ना। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक की मारा मारी और ऑफिस गई तो बॉस की गाली। It was good. तुम बताओ, तुमने क्या किया? क्या ही किया होगा? आए होंगे तुम्हारे दोस्त, चला होगा चाय सुट्टा। काम किया है, बहुत सारा काम किया है। बॉस का कॉल आया था, बोल रहे थे अवार्ड मिलेगा मुझे। ये तो मैं पिछले महीने से सुन रही हूँ। Great things take time, baby. Rome wasn't built in a day. वैसे तुम्हारा भाई इंजीनियर तो बन गया ना? नहीं, क्यों? नहीं, वो उसकी इंजीनियरिंग 2016 में स्टार्ट हुई थी ना, इसलिए। As you said, great things take time. और वैसे भी वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे बेबी, किसी ने बड़ा खूब कहा है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो स्त्री है। वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो स्त्री है। सिविल इंजीनियर तो बस एक मिस्ट्री है। और तुम्हारा एमबीए क्लियर करना स्टिल एक मिस्ट्री है। वैसे तुम्हारी बहन डाइटिंग वगैरह स्टार्ट करने वाली थी ना, पिछले 6 महीने से बोल रही है, तो कर दिया स्टार्ट? हाँ हाँ कर लिया है, काफी वेट लॉस हो गया है उसका। कितना? 250 ग्राम। और वो तुम्हारी बहन की शादी वगैरह की बात चल रही है, मैंने सुना है। हाँ हाँ बहुत बड़े घर से रिश्ता आया उसका। अच्छा, बात चल रही है? बात ही चलती रहेगी क्या? एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं कुछ नहीं। चाय किसी बनी? इससे अच्छी चाय तो मेरा ऑफिस का पांडू बना लेता है। मैं सोने जा रही हूँ। और प्लीज कल मैगी नहीं मिलनी चाहिए। जी मालिक, गुड नाइट। आज छोले चावल बनाए। थैंक यू, लेकिन खाना खाने लायक तो होंगे ना? ऑफ कोर्स, शमी की कुकिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो जान। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय। दसवीं बार बोल रहे हो? अरे दे दो, हमारा ही बॉल है। पर घर तो मेरा है। तो दे दो ना। पर क्यों दे दूं? दे दो वरना हम भाभी को वो वाली बात बता देंगे। वो वाली बात? हाँ वो वाली बात। अरे कौन सी वाली बात? वो वाली बात। ठीक है लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। ये लो भाई, ये तुम्हारा बॉल, ठीक है? 100 बार आना, 100 बार दूंगा, ठीक है? खुशी खुशी से, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं बस बस, थैंक्स फॉर सर। हाय सर। सर आप तो क्या हैंडसम दिखते हो। क्या काम है भाई? सर आप तो एकदम ही शाहरुख खान दिखते हो सर। ये काला टीका लगा लो, कहीं मेरी ना नजर ना लग जाए आपको। सब बढ़िया, काम क्या है बताओ। सर हमारी कंपनी ने ये नया दी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसे लगाकर आप जिंदगी भर दी शाहरुख खान दिखोगे, दी शाइनिंग दी स्टार बन जाओगे। बच्चे आपको देखकर ट्विंकल ट्विंकल गाने लगेंगे सर।
थैंक यू द वेरी मच नीचे। अरे अरे सर, इसे लगा आप ब्यूटी द फूल हो जाओगे। मुझे द ब्यूटी द बीस्ट बनने में मजबूर बन करो मेरे भाई। नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से, मैं बहुत बोर द गरीब हूँ। जाओ जाओ। सर सर ले लीजिए सर, मेरा पहली दी ओपनिंग है आपसे, मेरा बोनीता कपूर हो जाएगा। बोनीता कपूर? हाँ सर, मैं बोनीता कपूर, मेरे भैया अनिंद कपूर, मेरे बेटा अर्जुन कपूर, मेरी बेटी सोनम दी कपूर। एक सेकेंड, सोनम कपूर तो अनिल कपूर की बेटी है ना। अरे एक तो हिट किड होनी चाहिए ना सर फैमिली में। बीबी के बिग ब्लैक बाय बोनी कपूर। चलो अरे निकलो सर। सर ले लीजिए सर, मेरा बॉस मुझे आग द फायर कर देंगे। एक तो ले लीजिए सर, ले सलमान द खान रोवर, चल जा। चलो सर, कहां से आ जाते हैं। यार खुशबू, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? यार शमी, मेरे को लोनावला जाना है फॉर अर्जेंट मीटिंग, मैं दो दिन में आ जाऊंगी। लेकिन यार आज एटलीस्ट, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आर यू ओके? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बाय। चलो आराम से जाना, बॉस को कॉल करना। और भाई आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं ब्रो, क्यों? अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी भाभी जो है बाहर गई हुई कुछ दिनों के लिए, शाम को आ जाओ पार्टी करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, आ जाते हैं। क्या है ये? मैं सुबह 6 बजे उठी, तैयार हुई विदाउट ईटिंग एनीथिंग, बस स्टॉप के लिए निकली, वो भी इतनी गर्मी में, टू अटेंड दैट मीटिंग। आई फिनिश माय वर्क एज सून एज पॉसिबल टू कम बैक फॉर यू, एंड यू आर फकिंग पार्टिंग हियर। तुम बस मौका देखते हो ना कि कब मैं बाहर जाऊं और कब तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करो। मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, गधों की तरह मेहनत करती हूँ, बॉस की गालियां खाओ और घर आओ तो तुम आराम से बैठो, चिल करो। मुझे पता है घर कैसे चल रहा है रोज,
हेलो, आपके शॉप ओपन है क्या अपना? ओ बंद है, वहीं जाना पड़ेगा फिर। ठीक है ओके थैंक यू। भाभी ने बुलाया था सबको। अरे थैंक यू सो मच सर। अरे कैसे नहीं आते भाई, होम मिनिस्टर ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। ये बात तो सही है, ये बात तो सही। थैंक यू सो मच। सब बढ़िया सब बढ़िया सर, की बहुत बहुत बधाई आपको। बस आप थोड़ा अवार्ड का ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि से प्रॉमिस किया है खुद। भाभी ने बताया मुझे सब। तुझे पता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें आगे जाके पूरा घर संभालना है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, सबको संभालना है, बाहर जाके काम करना, मेहनत करना, फिर घर आके अपनी बीवी बच्चों को टाइम देना। क्यों? क्योंकि तुम लड़के हो। तुझे पता है, जब मेरी और खुशबू की शादी हुई थी ना, आई प्रॉमिस हर
that I will never let you be worried about anything. But look at her today. उसका रोज बाहर जाना पड़ता है काम करने. रोज सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए भागती है, पूरा दिन काम करती है, बॉस की गालियां खाती है, शाम को थक के घर आती है और कभी कंप्लेन नहीं करती. और मैं क्या करता हूं, ये अपने टेबल पे बैठा रहता हूं. कभी मीटिंग अटेंड कर ली तो कभी बहाने मार के नहीं करी, कुछ काम आया तो कर लिया नहीं तो चिल है. अरे मैं तो ढंग से टिफिन भी नहीं बना पाता उसके लिए. ये सब काम वो कर रही है जो मुझे करना चाहिए. और मैं हमेशा सोचता हूं कि शी इज अनोइंग, शी इज ऑलवेज रूलिंग ओवर मी एवरीथिंग, बट शी इज द बेस्ट आई हैव गॉट. मेरे जैसे इर्रेस्पॉन्सिबल बंदे को ऐसी ही मिलनी चाहिए थी. And I don't think I'll never be able to return her back whatever she has done for me. Never. Hey guys, thank you so much for watching this film. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, एंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो. एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले प्रोजेक्ट में, अभी और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे. तब तक के लिए मुस्कराइए और पानी पीते रहिए.